अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्ची इमली की खट्टी दाल की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू कर देते। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम कच्ची इमली। कच्ची इमली को प्रेशर कुकर में डालेंगे, इसी के साथ इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। प्रेशर कुकर की लीड लगाकर हाई फ्लेम पे 2 सीटी ले लेंगे। यहाँ प्रेशर कुकर में 2 सीटी हो चुकी है, इमली अच्छी तरीके से गल चुकी है। इस तरीके से इमली को अच्छी तरीके से गला लेंगे। इमली को मैंने अच्छी तरीके से गला लिया है। अब इसे साइड में रख के 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम तुअर की दाल। दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे, उसी के साथ इसमें डालेंगे 2 कप पानी, 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 टीस्पून तेल। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी ले लेंगे। यह इमली अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। इमली को हाथों से मसल लेंगे अच्छी तरीके से और उसके बीज और छिलटे अलग कर लेंगे। और जो बीज और छिलटे हैं हम उसे फेंक देंगे। और यहाँ हमारी दाल पक्के तैयार है। अब इसे मैशर की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। यहाँ दाल को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने इमली का पानी निकाल कर रखा था, वो सारा पानी इसमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेंगे। दाल को मैंने अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लिया है। अब इसके ऊपर जो झाग बन रहा है इसे निकाल कर फेंक देंगे। सारे झाग को इसी तरीके से निकाल कर फेंक देंगे। दाल को हमने अच्छे से उबाल लिया है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पैन में लिया है 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई, 10 से 12 लहसुनों को हमने अच्छी तरीके से कूट लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। उसी के साथ इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 2 साबुत सूखी लाल मिर्च। लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यह हमारा तड़का तैयार है। अब हम तड़के में डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और सारे तड़के को हम दाल में डाल देंगे। तड़के को डालने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसे बस ऐसे ही ढक्कन लगाना है, प्रेशर कुक नहीं करना है। बस 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। यह हमारी दाल बनकर तैयार है। आप इसे सर्व करें स्टीम राइस के साथ, खिचड़ी के साथ। आप इस कच्ची इमली की खट्टी दाल की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे कमेंट करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।